हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है हाल कैसा है जनाब का। तो जिनके साथ आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है और आपको फिकर हो रही है कि क्या चल रहा है उस पर्सन की दुनिया में, तो उनकी दुनिया की खबरें जानने की कोशिश करेंगे आज के इस टॉपिक से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से 10 कार्ड लेंगे और एक मैसेज लेंगे हम आपके लिए मोनोलॉजी में से कि आपको क्या करने की जरूरत है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये हो गए 6। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। और ये मैसेज रहेगा स्पेशली आपके लिए रिगार्डिंग द सिचुएशन। मेरा आपका मैसेज। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है वाई ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं ये पर्सन उस दिशा में देख तो रहा है लेकिन ऐसा दिखा रहा है जैसे उसको ये कोई दिखाई नहीं दे रहा, मतलब जैसे इग्नोर करने की कोशिश होती है वैसा ही कर रहा है। यहाँ पे सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो बात करने का मन तो उनका भी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन के सामने कई सारी सॉर्ड्स है। यहाँ पे 3 सॉर्ड्स है तो यहाँ इस लेडी के पास 2 सॉर्ड्स है, तो आप दोनों को भी एक दूसरे से बात करनी है। आप दोनों भी एक दूसरे को मिस करते हैं, ये कम्युनिकेशन आप दोनों भी करना चाहते हैं, ये उन्हें भी समझ में आ रहा है जैसे आप फील कर रहे हैं लेकिन ये इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खुद को रोक रहे हैं बात करने से। हो सकता है कुछ बातें उनको बार बार याद आ रही है जो आप दोनों के बीच में हुई थी, हो सकता है ऐसी कुछ बातें हो गई है जिसकी वजह से थोड़े से ये डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। कई बार जैसे कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो ऐसी शायद कुछ बातें उनके सामने आ गई है, मतलब आपने शायद उन्हें कोई सच बोल दिया होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा ये उन बातों के बारे में सोच रहे हैं, शायद इसलिए ये अपने आप को रोक रहे हैं आपसे बात करने से। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इर्द गिर्द तो सभी तरफ कप है, यानी कि अपने आप को इमोशन से घिरा हुआ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जरा भी नहीं सोच रहे, लेकिन राइट नाउ आप देख सकते हैं यहाँ इसके हाथ में कोई भी कप नहीं है, वैसे ही वो किसी भी इमोशन को आप तक पहुंचाने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि ये अपने खुद के इमोशन से डील कर रहे हैं, ये खुद के जज्बातों में ज्यादा खोए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर है, ये कलर बताता है क्राउन चक्र के बारे में, तो क्राउन चक्र यानी थिंकिंग प्रोसेस, तो काफी ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस भी चल रही है, इमोशनली भी काफी कुछ सोच रहे हैं और साथ ही साथ वो सब बातें जिनकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों में कुछ मनमुटाव हुआ है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है 5 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। फैमिली की भी कुछ बातें हैं, जैसे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को और पैसों को, तो वो बातें भी शायद कुछ डील कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि सब कुछ हैप्पी गो लकी चल रहा है, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार फैमिली में भी कुछ बातें छोटी मोटी बातें ही सही लेकिन होती रहती है जिनके ऊपर हमें गौर करना पड़ता है और इसलिए हमें हमारी जो लाइफ है उसके
जो रिजल्ट चाहते हैं हम उनको थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। तो वैसे ही शायद कुछ हालत है, ये अपनी फैमिली की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग पैसों वगैरह से भी कुछ फाइनेंशियली कुछ गोल सेट करके उनकी तरफ, यानी कि जैसे मान लीजिए मई मंथ तक मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए तो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने हैं, या फिर करियर में इतना कुछ पाना है, मुझे ये क्यों नहीं मिला, इस तरह की कुछ उनकी शायद जिंदगी में कुछ चल रहा है, मतलब करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती हैं। फिर है द एम्परर। तो एम्परर की एनर्जी में है वाइज, यानी कि अच्छा फैसला लेना चाहते हैं। यहाँ पे हाथ में जो बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो आज भी आपके पर्सन के दिल में आपको लेके पैशन तो है, लेकिन राइट नाउ जैसे आप देख सकते हैं एम्परर यहाँ पे उसकी चेयर पे बैठा हुआ है, यानी कि एक्शन लेने की मोड में बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने जज्बातों के बारे में सोच ही रहे हैं, ये तो हमने देखा है इस कार्ड में। लेकिन वो अब चाहते हैं कि शायद सोच समझ के ही जिंदगी में आगे बढ़ना है, और उसके लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में शायद सीरियस थिंकिंग चल रही है। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। दुविधा में है ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि शायद इस पर्सन के सामने दो ऑप्शन है, यानी कि एक मन अगर उनका आपके बारे में सोचता है तो शायद दूसरा भी कोई उनके सामने ऑप्शन शायद अवेलेबल है जिसके बारे में वो सोच रहे हो। सकता है उनके घर वालों ने या फिर किसी ने उन्हें कुछ सजेस्ट किया है, कोई रिश्ता वगैरह, तो उनका मन यही डिसाइड कर रहा है कि सोच समझ के जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या फैसला करना चाहिए। यानी कि एक मन तो आपके साथ आगे बढ़ने को बोल रहा है और शायद दूसरा मन है जो शायद किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में भी सोचने को उन्हें बोल रहा है। यहाँ पे जो सैक्रेड कलर चक्र है वो यही बताता है कि उनकी पैशन को, तो आपके लिए तो ऑलरेडी उनके दिल में पैशन है ही, अब बस डिसीजन मेकिंग उन्हें करना है। और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में एक वैंड है और ये पूरी तरह से वैंड से घिरी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन आपके लिए ढेर सारा पैशन फील करते हैं। यानी कि उन्होंने आपको बताया हो या ना हो, लेकिन द पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और ये प्यार से भी ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन पैशन काफी ज्यादा है। मतलब किसी को पाना, हाँ ये मेरे जिंदगी में होना चाहिए या होनी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हाँ मुझे बस चाहिए, ये जो होता है ये बस मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस और आई वॉन्ट समथिंग, ये जो होता है ना जज्बात कि बस मुझे चाहिए, तो प्यार अलग होता है और ये पाने की चाहत अलग होती है। वैसा ही इस पर्सन के दिल में आपको पाने की चाहत तो आज भी है। फिर देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। कैरिंग बैगेज, तो मोस्टली ये टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है, तो कुछ बर्डन है जिसको लेके राइट नाउ ये जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये उनकी पैशन का है तो ये पैशन का भी बर्डन हो सकता है, यानी कि किसी के लिए आप अगर इतना पैशनेटली फील कर रहे हैं और उसको ये आइडिया तक नहीं दे रहे कि आपके दिल में क्या जज्बात है, तो दिल बहुत ज्यादा बर्डन फील करता है, ना तो पल भर का सुकून मिलता है ना ही कोई हैप्पी मोमेंट आप जी पाते हैं। ऐसे ही शायद बैगेज की एनर्जी लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। हेल्प अराइविंग, उन्हें कहीं से लग रहा है कि उन्हें शायद जो हेल्प चाहिए वो कहीं ना कहीं से आ जाएगी या पहुंच जाएगी, मतलब किसी बात को लेके ये उम्मीद तो आज भी कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन उनके करियर को लेके है या फिर पैसों को लेके कोई बात है तो उन्हें लग रहा है कि वो हेल्प उन्हें मिल जाएगी और शायद जो सिचुएशन राइट नाउ है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने में उन्हें हेल्प होगी। फिर है द रियलाइजेशन, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि अगर इस पर्सन के सामने दो ऑप्शन हैं, तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उनका दिल अगर आज भी आपकी तरफ झुक रहा है तो वो किस लिए, या फिर वो आपको अगर इग्नोर करके कोई और ऑप्शन चूज करना भी चाहे तो भी उनका दिल तैयार है या नहीं। तो उनके अपने जज्बात हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। थॉट, आपसे जुड़ी कई सारी बातें हो सकती है, उनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो सलाह मशवरा शायद उन्हें जिंदगी में किसी से मिल रहा है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, और इन जनरल उनके अपने जो जज्बात हैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, कि वो आफ्टर ऑल जो बातें हम कई बार अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, फ्रेंड सर्कल में नहीं बताते या फिर उसको भी नहीं बताते जिससे हम बहुत प्यार करते रहते, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ बातें दिलो दिमाग में होती है, वैसी बातों के बारे में भी सोच रहे हैं। मेमोरी, जो बातें आपसे जुड़ी है वो बातें आज भी उन्हें याद है, यानी कि आपसे बात करना, आपसे मिलने के बाद इनके दिल का जो हाल
फिर आपके बीच में अगर कोई बात हुई है जिसकी वजह से कुछ थोड़ी बहुत बहस हुई, कुछ दूरियां मिली, कुछ सेपरेशन, या फिर अभी भी अगर नो कॉन्टेक्ट जिस वजह से चल रहा है, तो वो सब बातें ये आज भी याद करते हैं। योर स्टोरीज, आप दोनों की जुड़ी जो भी बातें हैं, ये शायद अपने दोस्तों से या फिर अपने जो भी करीबी लोग हैं उनके साथ शेयर करते, नहीं उसने ये किया, मुझे ये करना चाहिए था, उसने मेरे साथ सही किया गलत किया, मैंने उसके साथ सही किया गलत किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, ऐसे जो कुछ भी आप दोनों की स्टोरीज है वो उन स्टोरीज को याद भी करते हैं और शायद किसी के साथ शेयर भी करते हैं। इनसोमनी, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमने देखा कि कैरिंग बर्डन। अगर मान लीजिए किसी के दिल में ढेर सारे जज्बात है किसी के लिए, दिन रात वो उसके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, फिर भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मुझे कुछ पड़ी नहीं है, तुम्हें अगर लग रहा होगा मुझे तुम्हारी फिक्र है या आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिखाने के लिए जब आप अपने ही चेहरे पे एक खोटा मुखोटा लगा देते हो तो यही होता है कि ये जो इंसोम्निया होता है यानी कि सो नहीं पाता इंसान, चैन मिलता है ना सुकून, और ये किसी के लिए भी पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसीलिए शायद कुछ रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि आखिर मुझे जिंदगी में चाहिए तो क्या चाहिए। इसके बारे में शायद उनके मन में कई सारे थॉट्स आ रहे हैं और शायद इसीलिए ये इंसोम्निया वगैरह यानी कि स्लीपलेस नाइट्स चल रही है। कॉन्शियसनेस, तो जैसा होता है कि बेख्याली का आलम होता है जब कोई प्यार में होता है, बहुत सब कुछ दुनिया अलग लगने लगती है, जैसे एक अलग ही चश्मा पहन के रखा है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो होता है यानी कि हमारा जो अंतर्मन होता है वो भी हमें कुछ ना कुछ बातें बताता रहता है। कई बार जैसे आपका मन करता है राइट टर्न लेना चाहिए, तो कहीं से एक आवाज सुनाई देती है आपको कि नहीं लेफ्ट लेना चाहिए, तो ये होता है कॉन्शियसनेस। तो वैसे ही शायद अगर ये पर्सन कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कॉन्शियसनेस उन्हें कुछ बातें बता रहा है कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और उन बातों के बारे में भी शायद ये पर्सन सोच रहे हैं। और क्रॉस रोड्स, ये तो क्लियर ही है कि ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं, डिसीजन मेकिंग करना है या तो इस तरफ या तो उस तरफ, तो ऐसे किसी क्रॉस रोड पे खुद को वो महसूस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इस क्रॉस रोड पे वो एक्शन लेंगे ही, लेकिन जैसे हम सिग्नल पे होते हैं हमें किसी न किसी दिशा में तो जाना ही होता है, अगर मन करे तो लेफ्ट में मुड़ जाए या फिर सीधे रास्ते से आगे बढ़ जाए, वैसे ही शायद कैसी ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन है कि उन्हें कोई ना कोई शायद डिसीजन लेना है और उस डिसीजन के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। ओवर एनालाइजिंग, तो ये है फाइनल मैसेज कि जो बात सीधी है उसको भी समझने के लिए आप अगर उस बात को हर एंगल से सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे उस बात को कहा जाता है ओवर एनालाइजिंग करना। जिंदगी आपकी है, दिल आपका है, जज्बात आपके हैं, प्यार आपने किया है, तो आपको सोच समझ के फैसला लेना है कि आपको आखिर करना क्या है। ऐसे ही नो कॉन्टेक्ट में रहना है या फिर ये नो कॉन्टेक्ट इग्नोर करके किसी और चूज करके अपने ही दिल के जज्बातों को साइड में रख के कुछ ऐसे फैसले लेने हैं जिससे वापस आपको ऐसा ही इंसोम्निया का वापस एनर्जी कनेक्ट होनी है, यानी कि वहां पे भी आपको अगर सुकून नहीं मिला तो आप वापस से ना तो सोने वाले हैं ना तो चैन मिलने वाला है। तो ऐसी बातें हैं, तो डिसीजन तो कुछ लेना है, ये सोच सोच के ही उस बात को ओवर एनालाइजिंग किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये पर्सन कुछ डिसीजन ले लेगा, लेकिन थॉट प्रोसेस और थिंकिंग प्रोसेस क्या चल रही है इसके ऊपर ये आज के कार्ड ने हमें कुछ हेल्प की है। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो अगर कुछ बातें हैं जो आपके दिलो दिमाग को तकलीफ दे रही है वो क्या है वो समझने की कोशिश आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। यानी कि अगर ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं ये आपका सवाल है, तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, आफ्टर ऑल उनकी भी अपनी जिंदगी है और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमारे साथ हर एक जज्बात शेयर करो, हमारा दिल भले ही चाहता है कि उनको हम सच्चे दिल से हेल्प करें, लेकिन सामने वाला पर्सन भी तो तैयार होना चाहिए अपने इमोशंस शेयर करने को। अगर वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, अपने ही जज्बातों से डील कर रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उसके दिलो दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा, और ऐसी हालत में अगर वो आप
तक रीच आउट होने के बारे में भी सोच रहा है तो पहले वो खुद के बारे में सोचेगा। और यही आपको समझ के लेना है, यानी कि आपको भी अगर इस पर्सन के बारे में सोच सोच के तकलीफ हो रही है तो वो क्या सोच रहे होंगे, उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं वो परेशान तो नहीं हो गए। ये सोचने की बजाय अच्छा है कि आप उनके लिए कुछ पॉजिटिव सोचें, मतलब दिल से उनके लिए प्रार्थना करें, हीलिंग मेडिटेशन करें। 5-10 मिनट के लिए भी आप एक ही सेंटेंस बार बार कह सकते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आप तक पहुंच चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, आपके बीच में जो भी मनमुटाव थे वो क्लियर हो रहे हैं। यही सेंटेंस आप अगर दिन में 10 बार भी बोलेंगे तो भी आप पॉजिटिविटी फील करेंगे और यही एनर्जी आपके पर्सन तक भी रीच आउट होने में आपको हेल्प करेगी। और उनको भी कहीं से अगर निगेटिविटी से वो डील कर रहे हैं तो उन्हें भी कहीं से ये पॉजिटिव वाइब मिलने के बाद महसूस होगा कि नहीं, मुझे ये पॉजिटिव वाइब को कैरी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और यही रास्ता शायद उन्हें आप तक ले आए, क्या पता। तो अच्छा सोचिए उनके बारे में भी और स्पेशली खुद के बारे में। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।